हेलो गुड इवनिंग वेलकम टू एमडी क्लासेस कैसे हैं आप सब स्वागत है इंग्लिश के इस नए सेशन में आज हम लोग एक स्पेशल सेशन है सैटरडे स्पेशल इसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं ये आठ बजे रोज क्लास होती है मॉक टेस्ट सीरीज प्लस वो जनरली चलता है बीच बीच में आप चैप्टर वाइज भी आएगा जैसे दो दिन टेंसेज हुआ था तो आज हम लोग इसको करेंगे आर्टिकल्स चैप्टर <laughs> इसके क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम का पैटर्न रहता है उसी तरह अखिलेश प्रमिता राम प्रवेश सचिन अंगद गुड इवनिंग तो स्टार्ट करें ये क्लास रोज आठ बजे होती है और वो कैबलरी भी साथ में तो एक बार टाइमिंग्स आप लोगों को कल की एक स्पेशल क्लास का बता दें संडे स्पेशल आप वो कैबलरी लर्न करें उसके लिए आ, ये इंग्लिश की क्लास एक बजे कल होगी थोड़ा सा टाइम बदला हुआ है ये क्लास है एक बजे ईडियम्स पढ़ेंगे हम लोग इमेजेस के थ्रू तो इमेजेस से करेंगे गुड इवनिंग अरविंद विश्वजीत गुड इवनिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल इसमें आपको एरर ढूंढनी है मिस्टेक्स ढूंढनी है सेंटेंस में किसी पार्ट में एक गलती हो सकती है या सेंटेंस पूरा सही भी हो सकता है दैट क्रूज शिप वॉज लास्ट सीन इन नॉर्थ ईस्ट इसमें देखिए कोई एरर है क्या कोई मिस्टेक आपको मिली आर्टिकल चैप्टर से है ए एन आर्टिकल्स उससे रिलेटेड कुछ होगा इन द पूजा गुड गुड इवनिंग इवनिंग जय दैट क्रूज शिप शिप वो होते हैं जैसे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं तो वे उस टाइप के जर्नी पे जा रहे हैं उस टाइप के शिप छुट्टी मनाने के लिए हॉलीडेज के लिए हाँ बिल्कुल सही मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स इसमें रूल क्या है आप रूल भी शॉर्ट में लिख लीजिए पूरा हम लोग थ्योरी में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ होती है तो इसका रूल है कि जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन्स होते हैं भौगोलिक दिशाएं उनके पहले द का यूज़ होता है हाँ ज्योग्राफिकल डायरेक्शन्स के पहले द आता है जैसे द नॉर्थ द साउथ द ईस्ट द वेस्ट होगा उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इनके पहले द आता है तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन्स के पहले द भौगोलिक दिशाओं के पहले द का यूज होता है ये है रूल द बिफोर या दा प्लस जोग्राफिकल डायरेक्शन तो द इस तरह से हो गया बिल्कुल सही विश्वजीत नेक्स्ट सेकेंड सब आर्टिकल चैप्टर से हैं मोर यू ईट सच फूड द फैटर यू बिकम सो इट्स हाई टाइम यू वेंट ऑन अ फिक्स डायट प्लान इसमें कोई मिस्टेक अच्छा जय ने बहुत जल्दी बताया गुड इवनिंग जगदीश प्रिंस गुड इवनिंग मोर यू ईट सच फूड इसमें क्या क्या रहे हैं तुम जितना ज़्यादा ऐसा खाना खाओगे उतने ही ज़्यादा तुम मोटे हो जाओगे तो इट्स हाई टाइम इसलिए हाई टाइम है ये एक ईडियम है हाई टाइम का मतलब होता है अभी तक तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए था तो अभी तक तुम्हें एक फिक्स डाइट प्लान पे चले जाना चाहिए था मतलब डाइटिंग शुरू कर देनी चाहिए थी नो आर्टिकल बिफोर मील्स अच्छा मील यहाँ पे क्या है लेकिन मील तो है नहीं ब्रेकफास्ट डिनर ये होता है ब्रेकफास्ट डिनर ये मील है अब यहां पे एक रूल है कंपेरेटिव डिग्री जो होती है वैसे उसके पहले नहीं आता कंपेरेटिव डिग्री जैसे गुड बेटर बेस्ट टोल Tall, taller, tallest. तो जो दूसरी वाली डिग्री है जो तुलना करने के लिए होती है उसके साथ वैसे तो दा नहीं आता मोर भी लेकिन कंपेरेटिव है इसकी डिग्रीज है मच मोर मोस्ट ये है और एक है फैट फैटर फैटेस्ट फैट फैटर फैटेस्ट ये डिग्रीज हुई अब एक रूल है कि सेंटेंस में अगर दो कंपेरेटिव डिग्री हैं दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा आएगा अगर सेंटेंस कुछ ऐसा है कि पहली बात का असर दूसरी बात पे पड़ रहा है अगर ऐसा सेंटेंस है दोनों कंपेरेटिव डिग्री की पहले द आएगा अगर पहली बात का असर दूसरी बात पे पड़े एक सेंटेंस देखिए द हायर वी क्लाइम्ड द हायर वी क्लाइम्ड द हार्डर इट वॉज टू ब्रीद द हायर वी क्लाइंब द हार्डर इट वॉज टू ब्रीद इसका मतलब क्या हुआ हम जितना ऊपर चढ़ रहे थे उतने ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी सांस लेने में हम जितना हायर जा रहे थे जितनी ऊंचाई पे जा रहे थे उतने ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था उतने ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी तो यहाँ पे दोनों साइड में कंपेरेटिव डिग्री है और आप देखिए असर पड़ रहा है क्या पहली बात का असर दूसरी बात पर पड़े तो ऊँचाई का असर मुश्किल पर हो रहा था ऊँचाई का असर मुश्किल पर पड़ रहा है तो असर है उसी तरह से यहां पर है जितना ज्यादा इस टाइप का खाना खाओगे उतने ही ज्यादा मोटे हो जाओगे तो खाने का असर मोटे होने पे पड़ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे दोनों साइड में द आएगा द मोर यू ईट सच फूड द फैटर ऐसे होगा तो ए पार्ट में अरे थी गुड इवनिंग एवरी वन नेक्स्ट ए मिस्टेक थर्ड द पुलिस हैव अरेस्टेड मैन हु सीन हेयर येस्टडे सब स्पॉटिंग एरर्स के हैं सवाल द पुलिस हैव अरेस्टेड गुड इवनिंग संतराम द मैन अच्छा द होगा किसके पहले डेफिनेट अच्छा द मैन होगा पुलिस के पहले द क्यों आया गुड इवनिंग क्यूटी पुलिस के पहले द कुछ वर्ड्स के पहले हमेशा द का यूज होता है पेड हाँ, भी होता है बिल्कुल वो ऐप पे आपको मिलेगा नीचे नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं पूछ सकते हैं देखिए द पुलिस कुछ वर्ड्स के पहले हमेशा द आएगा जैसे द सन द मून द अर्थ द वर्ल्ड द पुलिस द बिगनिंग द मिडिल ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं पुलिस के पहले द आया ठीक है पुलिस के पाले आ, के साथ हैव भी प्लूरल भी आता है वो भी सही है प्लूरल वर्ब आएगा सही हो गया गलती ये है कौन सा मैन कह रहे हैं कौन सा आदमी हु वॉज सीन हियर येस्टे जिसको कल यहाँ देखा गया था वो वाला व्यक्ति जिसको कल यहाँ देखा गया था तो अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है विशेष व्यक्ति वो वाला जिसको देखा गया था और विशेष के लिए द का यूज होता है ये द का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है द का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि विशेष की सेंस के लिए द आएगा तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द मैन यहां पे द हो जाएगा कौन सा आदमी हियर बी में मिस्टेक हुई ये मिस्टेक है इसमें गुड इवनिंग लवकुश आपकी फर्स्ट क्लास अच्छा वेलकम फोर्थ बिल्कुल सही ही लर्न हाउ टू प्ले वायलिन वेन ही वॉज वेरी यंग उसने वायलिन बजाना सीखा जब वो बहुत छोटा था वायलिन बजाना सीखा अब एक रूल वैसे तो ये हम लोग आर्टिकल्स चैप्टर कर रहे हैं लेकिन और भी अगर कोई एरर हो सकती है लर्न के बाद देखिए क्या आता है लर्न के बाद आप लाते हैं या नो के बाद ये एक अलग रूल है ये दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन इसको भी लिख देते हैं लर्न या नो के बाद आता है हाउ लर्न या नो के बाद आएगा हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे लर्न हाउ टू सिंग लर्न हाउ टू ड्राइव नो हाउ टू ड्राइव नो हाउ टू कुक ऐसे होगा गुड इवनिंग आनंद तो एक तो लर्न हाउ टू प्ले ये ठीक है लेकिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल गुड इवनिंग अखिलेश इसका रूल देखिए क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं संगीत यंत्र जो होते हैं जैसे गिटार पियानो सितार फ्लूट बांसुरी मतलब ये सारे हाँ वायलिन यही वाला तो वायलिन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इन सब के पहले दा का यूज़ किया जाता है इन सभी के साथ दा का यूज़ होता है लेकिन एक कंडीशन भी है जब इनको बजाने या सुनने की बात हो तब जब इनको या तो प्ले करने की बात करें या लिसन करने की प्ले या लिसन करने की बात करें तब होगा था अब देखिए एक सेंटेंस तो यहां पे तो प्ले की बात हो रही थी बजाना उसने सीखा तो द वायलिन होगा बी में मिस्टेक है अब ये बताइए क्या ये सेंटेंस सही है इसको बताइएगा ही इज इंजॉइंग ही इज़ इंजॉइंग प्यानो क्या यहाँ पे द आएगा या नहीं आएगा ही इज इंजॉइंग प्यानो अगर कह रहे हैं विमल अमित पुष्प गुड इवनिंग ये रोज आठ बजे से क्लास होती है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम लोग उस पर चैप्टर वाइज पे भी आ गए हैं मिक्सड और वैकेबलरी भी चलती रहेगी गुड इवनिंग मुकेश हाँ अब ये बताइए यहाँ ऑनलाइन चल रहा है आएगा हाँ बिल्कुल आएगा इस रूल का मतलब ये नहीं है कि प्ले और लिसन वर्ड होंगे तब द यूज़ करिए इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो सेंस निकलनी चाहिए इस पर भी ध्यान दीजिए ये बारीकी है ये कई बार आसान से रूल में भी बच्चे गलती कर देते हैं अब देखिए आप द यहाँ पे प्ले लिसन की सेंस में आता है लेकिन ये नहीं कहा कि ये वर्ड आपको दिखाई दें तब द लाइए आप देखिए इंजॉय आदमी कैसे करेगा किसी पियानो को आदमी इंजॉय कैसे कर रहा है या तो सुन के इन्जॉय कर रहा है या बजा के कर रहा है कोई एक चीज़ तो हो ही रही है इसीलिए लिए यहाँ पर दा होना चाहिए ज़रूरी है ऐसे आपके यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस में भी बजा रहा है तो वहां पे भी दा होगा तो फिर यहाँ पे मिस्टेक बी पार्ट में थी फिफ्थ एरर शी बॉट कंप्यूटर फॉर हर सन सो एज टू मेक हिम इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ उसने अपने बेटे के लिए कंप्यूटर लिया ताकि वो अपने पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो जाए हाँ बज रहा है बजाया जा रहा है या सुन रहे हैं कुछ तो हो रहा है माइक ठीक नहीं है सही तो है आवाज नहीं आ रही क्या ठीक से गुड इवनिंग सही है आवाज अगर नहीं आ रही ठीक से तो बताइएगा आपको लग रहा है आकाश शी बॉट कंप्यूटर फॉर सन उसने अपने बेटे के लिए कंप्यूटर लिया ताकि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो जाए किसी तरह से तो हो एक लास्ट कोशिश की कि कंप्यूटर ले लिया जाए अ कंप्यूटर हाँ अब क्यों होगा देखिए वैसे तो अ का मतलब क्या होता है ठीक है वॉइस अच्छा क्यों टिपाई देखिए <laughs> मोबाइल खराब है देखिए इसका कंप्यूटर काउंटेबल नाउन है और अगर आप ला रहे हैं तो अ का मतलब एक होता है वन मतलब एक अ एक की सेंस में आता है जैसे आई बॉट अ बुक का मतलब मैंने एक किताब खरीदी अ मीन वन बिल्कुल सही है मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स अ का मतलब वन हो गया अब एक रूल ये होता है कि अगर कोई काउंटेबल नाउन है काउंटेबल नाउन मतलब जिसकी गिनती हो सकती है जैसे हम वन बुक टू बुक्स कह सकते हैं वन कंप्यूटर टू कंप्यूटर्स कह सकते हैं काउंटेबल नाउन का रूल है कि अगर ये सिंगुलर में होगा जैसे कि यहाँ है अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर में है एक में है तो उसके पहले कोई आर्टिकल होना चाहिए कोई ना कोई आर्टिकल आएगा तो हमें कहना होगा उसने एक कंप्यूटर ख़रीदा अ कंप्यूटर अगर अ नहीं लगाएंगी तो वो गलत हो जाएगा वैसे तो कंप्यूटर कहने का मतलब ही है कि वो एक ही है नहीं तो हम कंप्यूटर्स कहते लेकिन उससे काम नहीं चलेगा कि समझ में तो आ ही रहा है काउंटेबल नाउन सिंगुलर में तो आर्टिकल इसमें होगा यूज़ ये है गुड इवनिंग दारा नेक्स्ट सिक्स ही इज नॉट द यंगर देन दुमन हु केम यस्टे गुड इवनिंग महेश ही इज नॉट द यंगर जो औरत कल आई थी वो उससे यंगर नहीं है उससे उम्र में छोटा नहीं है उम्र में कम नहीं है कम्पेरेटिव है द नहीं आएगा अच्छा गुड इवनिंग सुजीत सचिन गुड इवनिंग कंपेरेटिव डिग्री के साथ अभी हम लोग दल आए थे एक ही बार द यूज होगा नहीं वो द सेकेंड वाला क्यों है दोनों देखिए अपने अलग अलग गुड इवनिंग किरण चंदन गुड इवनिंग देखिए अब पहले तो दूसरा वाला देख लेते हैं द वुमन हु केम यस्टरडे द वुमन हु केम यस्टरडे क्यों कह रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर की सेंस आ रही है अभी जो रूल किया था पर्टिकुलर के लिए द सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो ये वही वाला द है ये पर्टिकुलर वाला द है विशेष वाला कौन सी औरत जो कल आई थी तो पर्टिकुलर विशेष के लिए द आया है सही है अब एक रूल हम लोगों ने किया था कि दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले द आता है अगर पहली बात का असर दूसरी बात पे पड़े पहली बात का असर दूसरी बात पे पड़े तो तो यहाँ पे क्या असर पड़ रहा है वैसे एक ही कंपेरेटिव डिग्री आई है यंग यंगर यंगेस्ट कंपेरेटिव डिग्री के साथ नॉर्मल केस में द नहीं आता नहीं आता वो दो विशेष केस हम लोग अलग टाइप के करेंगे एक कट कर चुके एक आगे भी आएगा तो बस ही इज यंगर देन ये होगा जैसे आप कहते हैं अशोक इज द टॉलर देन अमित ऐसे नहीं कहेंगे अशोक इज टॉलर देन अमित ये बोलेंगे द नहीं आएगा सही

टू वर्कर्स वर्ड्स का मतलब बत्तर फिलर्स की बिल्कुल विमल सारी चीजें ऐसी धीरे धीरे आएंगी अभी चैप्टर वाइज स्टार्ट किया और ऐसी की और भी क्लास होगी मॉक टेस्ट होगा ईडीएम बोत तो गया क्या लिखा है गुड इवनिंग पूजा योर सन इज डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब पक्का सर्टेनली गुड इवनिंग किरण देखिए तुम्हारा बेटा डेफिनेटली वर्स है दोनों वर्कर्स में से अभी क्या किया था कंपेरेटिव कम्पेरेटिव डिग्री के साथ क्या होता है वैसे दान नहीं आता जैसे पिछले में किया था कम्पेरेटिव डिग्री के साथ दान आलाइए की बात नहीं वर्स देखिए किसकी डिग्री है ये बैड जैसे गुड बेटर बेस्ट है टॉल तौल, टॉलर टॉलेस्ट है उसी तरह से बैड वर्स वर्स्ट होता है ये इसकी तीन डिग्री हो गई ये तीन डिग्री है अब आपको ये देखना है कि वर्ड्स के साथ कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या दा आ सकता है एक हम लोगों ने अभी किया था कि दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पास साथ दा आता है पहली बात का असर दूसरे पे पड़ रहा हो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक अलग रूल अप्लाई हो गया वो ये रूल है द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ फिर चेक करिएगा सेंटेंस इसके हिसाब से सही है प्लस कंपेरि कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन ये है इसका मतलब यह है अब इस रूल को समझिए इस रचना को रटा भी जा सकता है लेकिन समझिए समझ के रटेंगे तो वो ज्यादा याद रहता है कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर ऑफ के साथ है कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर ऑफ के साथ होता है तो दो तरफ द आता है दो साइड में दा आएगा एक कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा और एक प्लूरल नाउन के पहले दा ये दो दा होंगे अब इसके हिसाब से आप देखिए योर सन इज डेफिनेटली वर्स ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई फिर ऑफ आया फिर द आया फिर प्लूरल नाउन हो गया ये हो गया प्लूरल नाउन तो क्या सही है क्या इस रूल के हिसाब से सही है सारी चीज़ें तो आ गई लेकिन इसमें क्या नहीं आया द नहीं आया द प्लस कंपेरेटिव डिग्री होगा तो मतलब इसका ये हुआ द वर्स योर सन इज डेफिनेटली द वर्स ऑफ द टू वर्कर्स तुम्हारा बेटा डेफिनेटली पक्का वो दोनों वर्कर्स में से बदतर है ज्यादा बुरा वाला है दोनों वर्कर्स में से ज्यादा बुरा है ये कह रहे हैं तो ये वाला रूल है जिसके वजह से द होगा आ, ये एट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आज करेंगे इट्स अ नॉन फैक्ट दैट दी ओल्डर वी ग्रो वीकर वी बिकम गुड इवनिंग दीपांशु ये एक नॉन फैक्ट है कि हम जितना ज्यादा ओल्ड होते हैं जितनी हमारी उम्र बढ़ती है उतने ही ज्यादा हम कमजोर हो जाते हैं जितनी हमारी उम्र बढ़ती है उतने ही हम कमजोर होते हैं मतलब ये तो सभी जानते हैं ये तो ऑब्वियस चीज है बिल्कुल जितना हम बूढ़े होते हैं उतनी ज्यादा हम कमजोर होते हैं इसमें कौन सी चीज लाए हैं ओल्डर वीकर ये दो चीजें द यूज होगा अच्छा देखिए ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हो गया और वीक वीकर वीकेस्ट वीक weak, वीकर दोनों तरफ लाए हैं कंपेरेटिव डिग्री दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री है कंपेरिटिव डिग्री अगर दो आ रही हैं और ऐसा सेंटेंस है कि पहली चीज का असर दूसरी चीज पे पड़ रहा है तो दोनों साइड में द होता है तो मतलब है कि यहाँ पर हुआ द ओल्डर वी ग्रो द वीकर वी बिकम हम जितना ज्यादा बूढ़े होते हैं उतने ही कमजोर होते हैं तो मतलब एज का असर कमजोर होने पे पड़ रहा है उम्र का असर कमजोर होने पे पड़ रहा है तो दोनों साइड में द का यूज होगा द ओल्डर तो है ही द वीकर है दी ओल्डर द वीकर नाइन्थ आई scolded योर सन बिकॉज ही was मेकिंग फन ऑफ ब्लाइंड मैंने तुम्हारे बेटे को डांटा क्योंकि वो ब्लाइंड की मजाक उड़ा रहा था मतलब जो देख नहीं सकते उनकी मजाक उड़ा रहा है मेक फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना और स्कोल्ड मतलब डांटना अब इसका रूल देखिए द ब्लाइंड अच्छा द ब्लाइंड होगा क्यों थैंक यू विमल सी अगेन अच्छा देखिए अब यहां पे क्या रूल है ब्लाइंड अगर किसी को आप कह रहे हैं ब्लाइंड हैं ब्रेव हैं सिख के रिच पुअर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो फिर ये वर्ड्स क्या होते हैं जैसे आप ये बोलें अनूप इज ब्रेव अब ये यह बताइए यहां ब्रेव की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ब्रेव की पार्ट ऑफ स्पीच हाँ बिल्कुल क्यूटी पाए आपका सही है गुड इवनिंग अमरपाल पर्टिकुलर पर्टिकुलर वाला रूल यहाँ पर बिता नहीं है देखिए अनूप इज ब्रेव कह रहे है। अनूप है नाउन नाउन की अनूप की क्वालिटी ये ब्रेव वर्ड बता रहा है हाँ बिल्कुल सही एजेक्टिव है ये नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एजेक्टिव होता है इसी तरह से आपके हैं अनूप इज रिच तो रिच वर्ड अनूप की विशेषता बता रहा है अनूप इज पुअर के हैं तो पुअर एजेक्टिव है पुअर जो है वो अनूप की विशेषता बता रहा है तो ये सारे वर्ड्स एजेक्टिव उसी तरह से ब्लाइंड भी एजेक्टिव है अनुप इज ब्लाइंड कह रहे हैं तो ब्लाइंड जो है वो अनूप को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हुआ अब इसका एक रूल है ये कि अगर आप द लाएं द के बाद कोई एडजेक्टिव लाएं और फिर बाद में कोई नाउन ना लाएं द प्लस एडजेक्टिव प्लस नो नाउन तो इसका मतलब होता है कि पूरी कम्युनिटी पूरी जाति के लिए यहां पे हम ये द ला रहे हैं पूरी जाति को ये दिखा रहा है जैसे आप ये कहें पूरी कम्युनिटी पूरी जाति अब आप बोलें द पुअर द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग जनरल सेंस में सारे गरीब लोग अब आगे देखिए द सिख मतलब बीमार लोग सभी बीमार लोग फिर आप कहें द ब्रेव मतलब बहादुर लोग ये मतलब है उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ब्लाइंड कह रहे हैं तो कह क्या रहे हैं हम ब्लाइंड जो है वो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा ब्लाइंड मैन ब्लाइंड पीपल ब्लाइंड पर्सन ऐसा कुछ नहीं कह रहे तो मतलब बाद में कोई नाउन नहीं है और हम कहना क्या चाह रहे हैं मैंने तुम्हारे बेटे को डांटा क्योंकि वो ब्लाइंड लोगों की जो नहीं देख सकते उनकी मजाक उड़ा रहा था मैंने बेटे को डांटा क्योंकि वो ब्लाइंड लोगों की मजाक उड़ा रहा था जनरल सेंस में सारे ही ब्लाइंड तो यहाँ पे द ब्लाइंड होगा मेकिंग फन ऑफ द ब्लाइंड आप लोग सही रीजन दे रहे थे गुड इवनिंग रश्मि ठीक तो द्लाइंड हुआ मतलब मिस्टेक सी में थी इफ वी आर वी शुड ट्राई आर बेस्ट टू हेल्प द पुअर बाय गिविंग एम मनी हां बिल्कुल सही था प्रमिता नहीं आप पर्टिकुलर आपने वर्ड यूज किया था लेकिन वैसे आप सही कहना चाह रही थी गुड इवनिंग उपेंद्र पच्चीस सवाल हैं इसमें गुड इवनिंग प्रिंसी इफ वी आर केपेबल अगर हम सक्षम हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गरीबों की द पुअर की मदद करें मतलब गरीबों की मदद करें और बाय गिविंग इम मनी पैसा देकर मदद करें पैसा देकर हेल्प करें विशाल गुड इवनिंग द मनी नहीं द मनी क्यों कहेंगे द मनी तो मतलब है पर्टिकुलर कोई मनी है कोई विशेष पैसा है जनरल सेंस में कह रहे हैं पैसा दें गुड इवनिंग आंध्र प्रदेश से अच्छा वेरी गुड इफ वी आर केपेबल अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गरीबों की मदद करें द बेस्ट अच्छा अब एक रूल होता है हाँ बिल्कुल सही एथिकल हैकर एथिकल हैकर हैं आप अगर हम ये कह रहे हैं द पुअर द के बाद एडजेक्टिव ला रहे हैं बाद में कोई नाउन नहीं है तो इसका मीनिंग सही निकल रहा है गरीबों की मदद जैसे अभी किया था द ब्लाइंड द ब्रेव तो ये ठीक ठीक है गलती नहीं अब आपको यहाँ पे शायद लग रहा हो किसी ने ये जवाब दिया कि बेस्ट है बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे ज्यादा लिमिट दिखाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होता है ये हम लोग पढ़ते हैं जैसे द बेस्ट द टॉलेस्ट द बिगेस्ट द स्मॉलेस्ट ऐसे कहते हैं तो यहाँ क्यों नहीं द आया बेस्ट के पहले या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ड लग गया जैसे आप कहें मेरा उसका उनका तुम्हारा माई हिज हर योर ऐसा कोई वर्ड लगा है तो फिर दानी नहीं आता फिर द यूज नहीं होगा दिस इज द बेस्ट हाउस या दिस इज द बेस्ट कार या दिस इज माय बेस्ट कार आप किसी के पास तीन कार है मान लीजिए वो कह रहा है ये मेरी सबसे अच्छी वाली कार है तो दिस इज माय बेस्ट कार कहेंगे माय द बेस्ट कार नहीं तो फिर यहाँ पे ये तो ठीक था लेकिन गलती ये है हिंदी के हिसाब से देखिए अगर हम सक्षम हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें उनको पैसा देकर गरीबों की मदद करें उनको पैसा देकर यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं गरीबों की मदद करें उसको पैसा देकर गरीबों पूरी कम्युनिटी के लिए आ रहा है तो फिर एक व्यक्ति तो है नहीं बाय गिविंग देम मनी ये होगा उनको पैसा देकर नेक्स्ट बिल्कुल उसी के लिए सुनील सब उसी के हिसाब से चल रहा है ये सी जी एल इलेवेंथ और भी एग्जाम्स में जिसमें भी ऐसे चैप्टर्स आते हैं सब में काम आएगा आपको सी जी एल को टारगेट करके अभी क्लासेस लगाई हैं कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए नई चीज़ें सीखें ही बिलीव दैट द बॉयज़ आर नॉट ही सो ही विशेज टू हैव अ डॉटर इन द फ्यूचर हाँ मनोज सही है आपका अजय गुड इवनिंग कुलदीप ही बिलीव डैट द बॉयज़ आर नॉट वो मानता है उसका मानना है कि लड़के शरारती होते हैं इसीलिए वो चाहता है कि फ्यूचर में उसको बेटी हो फ्यूचर में बेटी हो कल से बारिश लगातार हो रही कहाँ पे? यहाँ लखनऊ में तो रुक गई आज बड़ी तेज़ धूप थी बीच में भी फिर से हुई थी गुड इवनिंग मैथ एंड मैथ्स एक्सप्रेस द बॉयज़ अच्छा नहीं गलती है नो no एरर नहीं है वैसे नो no एरर भी होता है अच्छा उत्तराखंड में हो रही है लखनऊ में हो रही है अच्छा उस साइड में हो रही होगी अभी इधर रुकी हुई है गुड इवनिंग देखिए वो मानता है कि लड़के शरारती होते हैं यहाँ पे द का यूज़ जो कर रहे हैं दा आता है दा का यूज पर्टिकुलर के लिए एक यूज पर्टिकुलर के लिए होता है विशेष है लेकिन इस जगह हम लोग विशेष लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं सेंस में बात कर रहे हैं कि सभी लड़के शरारती होते हैं तो जब सभी की बात कर रहे हैं तो प्लूरल में बॉयज लाई ठीक है लेकिन फिर दाना लाइए बस ऐसे कहेंगे बॉयज आर नॉटी लड़के शरारती होते हैं तो बॉयज आर नॉटी मतलब जेनरली इसका ये मतलब नहीं निकलता कि एक एक बच्चा एक एक लड़का लेकिन जनरली लड़के शरारती होते हैं तो वो चाहता है कि एक बेटी हो जाए फ्यूचर में तो ये ठीक है सिवान से हैं, जगह अलग अलग जगह से बच्चे जुड़ते हैं तो ए में मिस्टेक हुई नेक्स्ट अच्छा सुनील ट्वेल्थ आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ एन अपार्टमेंट बट आई बीन फोर्स टू लिव इन इट सिंस नहीं थाउजेंड फोर्टीन नहीं ही सिंगुलर है ना आप, एक, आप ये बोले अनिल खेलता है तो अनिल प्ले नहीं कहेंगे अनिल प्लेज बोलेंगे उसी तरह से ही एक व्यक्ति है तो ही, ही विशेस हो जाएगा ही विशेस कल इडियम्स की क्लास है आज तो सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं कल इडियम्स पढ़ेंगे एक बजे थोड़ा टाइम बदला है एक बजे से क्लास अटेंड करिएगा ये यूट्यूब की क्या हो गया क्यू टी पै आपका गलत हो रहे हैं क्या आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ एन अपार्टमेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ बिल्कुल सही मैच शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही सिंपल रूल इंग्लैंड <laughs> से भी कोई है वो शायद वो बता भी नहीं पाएगा अंग्रेजी में ही पूछे काइंड ऑफ टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ ये काइंड ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ इन सबके बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं होता नो आर्टिकल ए एंड द कुछ नहीं आता काइंड ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद कुछ नहीं आता आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अपार्टमेंट बस ये ये सही है इनके पहले ये प्रकार बताने के लिए होता है काइंड टाइप सॉर्ट का सेम मीनिंग है तो इनके बाद में आर्टिकल यूज नहीं होगा ए पार्ट में मिस्टेक थी तेरा स्टूपिडिटी ऑफ दैट यंग मैन मेड मी क्रैकअप पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको विमल कहां पे देते तो तो आपको खुद देखनी होगी ना पीडीएफ होगी अपलोडेड या नहीं हुई अभी तक एक बार चेक कर लेंगे क्लास का टाइम देखिए चंदन ये है आठ बजे होती है आप लोग एरर और बताइए तब तक ढूंढिए मंडे टू सैटरडे आठ बजे रात में मंडे टू सैटरडे और संडे की क्लास थोड़ी सी बदलती है टाइमिंग थोड़ा चेंज होती हैं संडे को पहले तो ग्यारह बजे थी लेकिन आ, कल है एक बजे ईडीएम्स इमेजेस के थ्रू करेंगे पुराने वाले भी रिवाइज कर लीजिए देखिए स्टुपिडिटी अच्छा ठीक है चेक करवा लेंगे मेमल स्टुपिडिटी ऑफ दैट यंग मैन द That भी ला सकते हैं देखिए दिस दैट क्या होता है ये और वो ये आदमी वो आदमी तो दिस मैन दैट मैन ये तो करेक्ट है ये सही है अब स्टूपिडिटी क्या चीज़ है स्टूपिडिटी मतलब है मूर्खता इसका हम लोग एक रूल करते हैं स्टूपिडिटी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है जिस चीज़ को छू नहीं सकते महसूस कर सकते हैं जैसे ऑनेस्टी इसमें हो जाएगा डिसऑनेस्टी इंटेलिजेंस सिंप्लिसिटी फुलिशनेस ये सारे या गुडनेस काइंडनेस ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मतलब अच्छाई के हैं बेमानी के हैं उदारता ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लाते एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता एन दा कुछ नहीं लाते लेकिन अगर विशेष की सेंस है स्टूपिडनेस कुछ नहीं होता अजय स्टूपिडिटी ही होता है देखिए अगर इसका रूल है कि वैसे तो आर्टिकल नहीं लाएंगे लेकिन अगर वो पर्टिकुलर की सेंस दे रहा है पर्टिकुलर की सेंस दे रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा विशेष की सेंस है। अब विशेष है स्टूपिडिटी ऑफ दैट यंग मैन किसकी स्टूपिडिटी उस आदमी की जैसे आप ये कहते इनोसेंस इज अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन मासूमियत सबको पसंद आती है बाय एवरी वन ऐसा कह रहे हैं तो इनोसेंस कहा जाएगा द इनोसेंस या एन इनोसेंस ऐसे नहीं होगा लेकिन अगर आप ये कहें इनोसेंस किसकी किसी विशेष बच्चे की द इनोसेंस ऑफ दैट चाइल्ड द इनोसेंस ऑफ दैट चाइल्ड उस बच्चे की इनोसेंस तो अब यह विशेष हुआ उस बच्चे की मासूमियत तो फिर दा का यूज़ यहाँ पे करेंगे उसी तरह ये है मूर्खता किसकी उस यंग मैन की उस यंग मैन की. की तो इसलिए यहाँ पे द होगा आप हिंदी में मीनिंग निकालिए तब आपको पर्टिकुलर का रूल पता चलेगा ज्यादातर आर्टिकल्स के रूल बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई होते हैं बहुत सिंपल रूल्स हैं कि यहाँ पे आर्टिकल हमेशा आएगा यहाँ पे नहीं आएगा एक पर्टिकुलर वाला, वाला ऐसा है सिर्फ पूरे चैप्टर में जिसमें आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा तो द स्टूपिडिटी ये होगा मूर्खता किसकी उस यंग मैन की फोर्टीन दे हैव डिलीवर्ड ब्रॉन्स दैट इज नीडेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने ब्रॉन्ज डिलीवर कर दिया है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए नीडेड है जिसकी जरूरत है रॉन्ग होने की हैट्रिक हो रही है चलिए अब आगे सही होने की हैट्रिक होगी अब तो आप पढ़ रहे हैं तो आगे हैट्रिक ही नहीं वो कंटिन्यूसली सही होंगे दे हैव डिलीवर्ड ब्रॉन्ज कौन सा ब्रॉन्स दैट इज नीडेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट जिन्होंने थ्योरी क्लास पढ़ी है आर्टिकल की आपके लिए ज्यादा इजी होगा क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं आपके सिर्फ ये प्रैक्टिस है अच्छा क्यूटिपाई द पर्टिकुलर की सेंस है खुश रहिए चक्कर लेट हो गई दिस की जगह एन नहीं क्यों देखिए अभी एक चीज क्या बताई थी जैसे बेस्ट आया था बेस्ट टॉलेस्ट बिगेस्ट इन सारे वर्ड्स के साथ इन सारे वर्ड्स के साथ वैसे द होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है द बेस्ट द टॉलेस्ट लेकिन साथ में इसमें ये बताया था साथ में ये बोला था कि अगर ऐसा कोई वर्ड लगा है माए हिज हर योर तो फिर द नहीं आता उसी तरह से अगर दिस दैट और दीज दोज लगा है दिस दैट दीज दोज अगर ऐसा कोई वर्ड लगा है तो भी नहीं आता दिस एक्सपेरिमेंट मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट तो दिस सही है अपनी जगह करेक्ट है ये वाला एक्सपेरिमेंट कह रहे है ना विच नहीं दैट भी सही है विच और दैट दोनों निर्जीव के लिए आ सकते हैं करेक्ट है कोई बात नहीं चकोर अब यहां पे देखिए दे हैव डिलीवर्ड ब्रॉन्स इसका रूल ये है कि मटीरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता मटीरियल नाउन के पहले पदार्थ के पहले नो आर्टिकल प्लस पदार्थ पदार्थ या मटीरियल नाउन गोल्ड सिल्वर कॉपर प्लेटिनम इन सब के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा लेकिन अगर पर्टिकुलर की सेंस है तो होगा पर्टिकुलर विशेष की सेंस के लिए हमेशा होता है तो यहाँ पे कौन सा ब्रॉन्स कह रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है जिसकी हमें ज़रूरत है तो दैट इज़ नीडेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ये तो यहाँ पे इसीलिए द ब्रॉन्ज होगा दे हैव डिलीवर्ड वो वाला ब्रॉन्ज उन्होंने डिलीवर कर दिया है जिसकी हमें ज़रूरत है द्राउन्स व नेक्स्ट पंद्रह दे माइग्रेटेड टू यूके इन 1990 एंड हैव बीन लिविंग इन द अपार्टमेंट नेक्स्ट टू योर ऑफिस सिंस देन वो चले गए थे यूके साउंड आ रही हां हाँ में वो तो आ रही थी लेकिन अब ये वाला रूल समझ में आया क्योंकि वहां पे दिस लगाए तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होती कोई बात नहीं उसमें अगेन ए फिर से ए वे यूके चले गए थे 1990 में और तब से उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं माइग्रेटेड ये कैसे इसमें क्या गलती है यूके चले गए थे अब इसका रूल देखिए यूके पे बाद में आएंगे 1990 कह रहे हैं 1990 का मतलब है 1990 अगर बोल रहे हैं एक सिंगल ईयर की बात हो रही 1990 1987 ऐसा कुछ कह रहे हैं 2023 2022 तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लाते इन 1990 होता है या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं इन द ईयर 1990 अगर ईयर वर्ड जोड़ते हैं तब द आता है तब द यूज होता है तो इन दर नाइनटीन नाइन्टी सिंस ही तो लगा है सिंस देन, वो तो सही था ये हुआ अब आगे देखिए वो करेक्ट था इन द अपार्टमेंट क्यों लाए हैं इसको बताइए द यहाँ पे क्यों लाए आप लोग सही रीजन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले दूसरी चीज देख रहे हैं तो लगता है हाँ बिल्कुल जय बताते हैं वो कि किस कंट्री के साथ द आएगा मतलब शिफ्ट हो जाना अच्छा आप देखिए दी अपार्टमेंट क्यों कह रहे हैं पर्टिकुलर की बात हो रही है ना कौन सा वाला अपार्टमेंट जो तुम्हारे ऑफिस के बगल में है वो वही वाला अपार्टमेंट जो तुम्हारे ऑफिस के बगल में है उसमें वो शिफ्ट हो गए तो इसलिए द आया अब यहां पे आप लोग सही रीजन दे रहे थे यूके के पहले द होगा ए में मिस्टेक है और इसका रूल देखिए क्या है अगर किसी वर्ड में यूनाइटेड लगा हो मतलब किसी नाम में किसी नाम में अगर यूनाइटेड लगा है यूनियन लगा है किंगडम है या फिर रिपब्लिक है तो फिर उसके पहले द आता है जैसे इंडिया का पूरा ऑफिशियल नाम क्या है इंडिया के पहले द नहीं लगाते आई लिव इन आई लिव इन इंडिया कहेंगे आई लिव इन द इंडिया नहीं कहेंगे लेकिन आ, वो भी सही कह रहे हैं आप जय। लेकिन अगर आप इंडिया का पूरा नाम लेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो फिर द आएगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये होगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द यूनाइटेड किंगडम द द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द सोवियत यूनियन सबके साथ द का यूज़ होगा ठीक है एक चीज़ तो ये हुई दूसरी चीज़ अगर ऐसा कोई कंट्री है जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में एस आ रहा है ऐसा कंट्री स्पेलिंग में लास्ट में एस आए तब द आता है जैसे फिलीपींस है द फिलीपींस कहा जाएगा फिर द नदरलैंड बोला जाएगा ये है तो यूके में यूनाइटेड किंगडम है इसीलिए ए में मिस्टेक हुई सोलह वॉट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन प्रेजेंटेशन हैव दे प्रिपेयर्ड किस तरह की प्रेजेंटेशन उन्होंने प्रिपेयर की है बनाई है अभी इसका रूल किया वॉट सॉर्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप के बाद टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लाते चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो ये एकाद किताब में ये रूल भी गलत दिया हुआ है एकाद बुक्स में गलत दिया है कि अपवाद कुछ दे दिया बस काइंड ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल यूज ना करिए वॉट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ये होगा अभी इसका रूल किया ही था सत्रह यू आर टू टेक दिस मेडिसिन डेली बिफोर द ब्रेकफस्ट तुम्हें ये मेडिसिन रोज लेनी है ब्रेकफस्ट से पहले नाश्ते से पहले पच्चीस तक है सवाल गुड इवनिंग दीपक ये मेडिसिन तुम्हें रोज लेनी है ब्रेकफास्ट से पहले पी में क्या है अच्छा ब्रेकफास्ट आ कहाँ होगा अच्छा ए में कह रहे हैं वो हमें लगा आ कह रहे हैं कि अलग जाएगा अभी देखिए एक रूल आया था मतलब किसी ने बोला था लेकिन तो शॉर्ट में बस डिस्कस हुआ मील्स के पहले लंच डिनर ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं लाते तो मील के पहले ब्रेकफास्ट लंच डिनर के पहले कोई आर्टिकल नहीं नो आर्टिकल प्लस मील ये हुआ तो बस ये होगा बिफोर ब्रेकफेस्ट इतना सही है ब्रिफोर ब्रेकफेस्ट अट्ठारह वी हैड डिलीशियस लंच टूडे वाइल्ड वॉचिंग अवी डिलिशियस मतलब स्वादिष्ट टेस्टी हमने डिलिशियस लंच किया स्वादिष्ट लंच किया आज मूवी देखते टाइम मूवी देखते में हमने खाया रीजन भी बताइए आप लोग साथ में द मूवी होना चाहिए अच्छा द डिलीशियस ऐसा क्यों द मूवी बता रहे हैं द मूवी क्यों कोई पर्टिकुलर मूवी हो सकती है द मूवी सही है लेकिन अ मूवी क्यों गलत है देखिए अ मूवी का मतलब क्या हुआ एक मूवी एक मूवी भी तो हो सकता है ना एक मूवी देख रहे थे कोई movie, कोई एक मूवी थी तो तब हम लोगों ने आ, उसके साथ हम लंच कर रहे थे एक की सेंस में अ यूज हो रहा है ठीक है लेकिन अभी क्या किया जो मील होता है उसके पहले आर्टिकल नहीं लाते मील के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता लेकिन अब इसमें एक और बारीकी आ गई ये एक अपवाद है अपवाद ये है कि अगर मील के जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव लाए हैं तो फिर अ यूज होगा अगर मील के जस्ट पहले कोई ऐसा वर्ड लाए हैं जो उस मील की ब्रेकफास्ट लंच डिनर की क्वालिटी बता रहा है तो फिर अ का यूज करेंगे चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो चाहे बुरी हो तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं लंच ये मील हो गया कैसा लंच था वो टेस्टी था स्वादिष्ट था ये उसकी क्वालिटी है ये वर्ड जो है वो लंच को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसीलिए अ होगा वी हैड अ डिलिशियस लंच ये कहेंगे अ होना चाहिए द नहीं हो सकता वी हैड अ डिलिशियस लंच इसमें गलती है ए पार्ट में उन्नीस देर वॉज अ लॉट ऑफ द वायलेंस इन आर एरिया लास्ट वीक देर वॉज अ लॉट ऑफ द वायलेंस बहुत ज्यादा हाँ सही है रश्मि देर वॉज अ लॉट ऑफ द वायलेंस बहुत ज्यादा हिंसा थी हमारे एरिया में पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा हिंसा पिछले हफ्ते थी अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा अ लॉट ऑफ कहिए चाहे आप लॉट्स ऑफ कहिए एक ही बात है A lot ऑफ a lots ऑफ बिल्कुल सेम चीज है लॉट ऑफ द नहीं होगा हाँ वायलेंस देखिए कैसा अभी हम लोगों ने एक रूल किया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब अभी क्या किया था जैसे ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी इनोसेंस स्टुपिडिटी इनके पहले आर्टिकल नहीं लाते या तो वो विशेष की सेंस दे रहा हो तो यहां पे विशेष भी नहीं दे रहा बहुत ज्यादा हिंसा थी बस ये कह रहे हैं द गलत है बस सही है रीजन है आप लोगों का देर वॉज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन आर एरिया ये करेक्ट नेक्स्ट बीस माई सिस्टर इज वेरी टैलेंटेड एंड लता मंगेशकर ऑफ आर फैमिली मेरी बहन बहुत टैलेंटेड है और हमारी फैमिली की लता मंगेशकर है हमारी फैमिली की लता है बी क्या बी में अच्छा हाँ सही बता रहे हैं बी पार्ट में मिस्टेक है इसका रूल ये है एक आप लोगों ने हाँ बिल्कुल सही अरविंद शुभम सही देखिए अब इसका रूल ये है कि जो यार्डस्टिक होता है द प्लस यार्डस्टिक हिंदी में यार्डस्टिक को कहेंगे मापदंड मापदंड जो होता है जैसे तुलना कर रहे हैं जिसको तुलना करने का बेस मान रहे हैं किसी अच्छी चीज़ का या बुरी चीज़ का उसके पहले द का यूज़ होगा जैसे हम लोग मापदंड किसका मान रहे हैं अच्छी सिंगिंग का मेरी बहन बहुत टैलेंटेड है और हमारी फैमिली की लता है मतलब हमारी फैमिली की जैसे लता सिंगिंग के लिए फेमस है उसी तरह वो सिंगिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है उसी तरह से मेरी बहन है ये बोल रहे हैं इसका एक रूल बुक्स में बहुत दिया रहता है मतलब एक सेंटेंस बहुत दिया रहता है ये वाला कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया तो कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हैं कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं तो जो मापदंड है यहाँ पे महान होने का मापदंड कौन है ये शेक्सपियर हैं शेक्सपियर मापदंड हुए तो शेक्सपियर के नाम के पहले दा आ गया तो शेक्सपियर अगर दुनिया में सबसे महान है लिटरेचर में तो उसी तरह से कालिदास इंडिया में है जो चीज़ शेक्सपियर है दुनिया के लिए वही चीज़ इंडिया के लिए कालिदास है ऐसी बोला जाता है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड को सुंदरता का बेस माना गया है नेचुरल ब्यूटी के लिए इसीलिए वहां पे द आया नेक्स्ट हाँ बिल्कुल सही ममता अगला ट्वेंटी वन द न्यूज अबाउट द अटैक इन द वेस्ट बंगाल शॉक्ड मी थैंक यू एथिकल हैकर द न्यूज अबाउट द अटैक इन द वेस्ट बंगाल शॉक मी, जो न्यूज थी वेस्ट बंगाल में जो अटैक हुआ वो उस न्यूज ने मुझे बहुत शॉक किया हाँ अमरपाल शायद आपका पीछे चल रहा है कुछ कई बार वीडियो पीछे हो जाता है तो आप लाइव पे टैप किया करिए क्लिक करिए वीडियो के जस्ट नीचे होता है फिर आपका साथ में आ जाएगा नहीं नो एरर नहीं है नो नहीं आर्टिकल आएगा सिटी क्या आरती स्टेट है ये तो अभी देखिए हम लोगों ने एक रूल किया था एक रूल आया था इन वेस्ट बंगाल होगा अच्छा अरविंद देखिए हम लोगों ने एक रूल क्या किया था कि जोग्राफिकल डायरेक्शन के पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के पहले द का यूज़ होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के पहले आएगा शायद पहला ही सवाल था लेकिन क्या ये डायरेक्शन दिखा रहा है ये डायरेक्शन तो नहीं दिखा रहा है ये तो एक स्टेट का नाम है तो अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी नाम का हिस्सा है तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा फिर द यूज नहीं होगा ये तो नाम है वेस्ट बंगाल। तो फिर यहां पे द हटा दीजिए जैसे नॉर्थ अमेरिका कहेंगे साउथ अमेरिका बोलेंगे द नॉर्थ अमेरिका नहीं द साउथ अमेरिका ऐसे नहीं कहेंगे ट्वेंटी टू वेस्ट बंगाल सही आप लोग रीजन भी आज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग रीजन भी दे रहे हैं ये नहीं कि ऐसी बस तुक्का लगा दिया कहीं पे भी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज माइग्रेटेड टू डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग नाइनटीन एटीज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज के चले गए थे अलग अलग कंट्रीज में नाइनटीन एटीज में शुभम द नाइनटीन एटीज एन एट्टी का मतलब है अस्सी का दशक अच्छा नाइनटीन एट्टीज ऐसे लिखा है कॉमा एस मतलब जिसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं हाँ आरती एपोस्ट्रोफी एस क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एपोस्ट्रोफी ना लगाएं सिर्फ एस लगा दें क्या ऐसे कह सकते हैं नहीं यहाँ पे पर्टिकुलर तो है नहीं द डिफरेंट क्यों होगा 1980s जब कह रहे हैं ये 80 का दशक हुआ 80 का दशक 1990s बोल रहे हैं 90 का दशक फिर इसी तरह नाइनटीन सेवनटीज के सत्तर का दशक तो नाइनटीन कौन सा हुआ कौन से ईयर हुए? 1980 से लेकर 1989 तक ये अस्सी का दशक हुआ ये है तो डेकेड के पहले द आता है द 90s, एट्टीज होगा हाँ दशक जो होता है उसके पहले द का यूज करते हैं डेकेड के पहले द आता है इसमें मिस्टेक है और ये पूछा था अपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ एस दोनों करेक्ट हैं दोनों आप यूज कर सकते हैं चाहे अपोस्ट्रॉफी ऐसा कहिए चाहे सिर्फ ऐसा कहिए लेकिन ज़्यादा कॉमन अपोस्ट्रॉफी वाला है जो पहले से मेथड चला चला आ रहा है वो अपोस्ट्राफी वाला मेथड है लेकिन कोई भी यूज़ करिए बस द लाइए द नाइनटीन एट्टीज कहिए चाहे सिर्फ एट्टीज कहिए एट्टीज सेवेंटीज तब भी होगा द एट्टीज द सेवेंटीज ये कहेंगे और अभी एक रूल और किया था सिंगल ईयर के साथ द आता है बताइए अभी एक चीज़ आई थी एक अकेले साल की बात हो रही है आप सिर्फ 1980 कहते सिर्फ ये कहते तो द आता क्या तब दा यूज होना चाहिए नहीं आता बिल्कुल सही तब यूज नहीं होता सिंगल ईयर के साथ नहीं आता लेकिन अगर आप ईयर वर्ड जोड़ दिया इन द ईयर ईयर वर्ड जोड़ेंगे तब आएगा था ये अभी बताया था अगला ट्वेंटी थ्री ही इज नॉट गुड एट पियानो बट ही इज गुड एट पियानो ये मिस प्रिंट हुआ ही इज गुड एट पियानो बट कैनोट सिंग एट ऑल वो प्यानो में अच्छा है हाँ बिल्कुल सही है जीत <laughs> वो प्यानो में अच्छा है लेकिन गा नहीं पाता बिल्कुल भी गुड एट पियानो गुड के साथ ऐट किसी चीज़ में अच्छे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं वो इंग्लिश में अच्छा है मैथ्स में अच्छा है ही इज़ गुड इन इंग्लिश लगा देते हैं लेकिन इंग्लिश में मतलब अगर आप ये चीज़ इंग्लिश में बोलें ट्रांसलेट करें तो उसको कहेंगे ही इज़ गुड एट इंग्लिश म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हाँ अभी ये रूल आया था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को अगर बजाने या सुनने की बात हो रही है तो आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पियानो, गिटार सितार इनके पहले दा का यूज़ होता है अगर उनको बजाने की बात कह रहे हैं या सुनने की कह रहे हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं गुड एट मतलब उसमें अच्छा है तो अच्छा है का मतलब क्या हुआ बजाता अच्छा होगा पियानो को अच्छा बजाता होगा ये बोल रहे हैं तो फिर द आएगा जबकि यहाँ प्ले या लिसन कुछ नहीं आया लेकिन उसमें अच्छे होने का मतलब ही है कि उसे बजाता है अच्छा थर्ट ट्वेंटी फोर लास्ट टू क्वेश्चन है ये ट्वेंटी फोर ही है नंबरिंग कुछ गड़बड़ हो गई शायद नंबरिंग गड़बड़ है अब देखिए द हेजर्डिस फोम फ्लोटिंग ऑन यमुना इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज अमोनिया लेवल्स कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स ये पिछले इसी टाइम पीरियड के आसपास इसमें नहीं मतलब नवंबर में ऐसी न्यूज आई थी आपने देखा होगा कि यमुना नदी में लोग छठ पूजा में गए हुए हैं वहाँ पूजा करने के लिए और बहुत फोम है सफेद सफेद सा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन वैसे सेहत के लिए तो बेहद खतरनाक था दिवाली टाइम पे हाँ ये न्यूज आई थी हेजर्डस का मतलब खतरनाक डेंजरस हेजर्ड का मतलब खतरा होता है और हेजर्डस खतरनाक हो गया जो उस पर तैर रहा था फ्लोटिंग मतलब तैर रहा था जो डेंजरस बिल्कुल सही द हेजर्डस फॉर्म फ्लोटिंग ऑन यमुना इसका क्या रूल है ऑन द यमुना रिवर के नाम के पहले रिवर हो सी ओशन रिवर सी ओशन डेजर्ट इन सबके पहले द का यूज होता है रिवर सी ओशन डेजर्ट सबके साथ द आएगा तो दा यमुना, द गंगा ऐसे ठीक तो द यमुना होगा रिवर के पहले दा. दा यूज़ करते हैं द गंगा जैसे बोला जाएगा नेक्स्ट हाँ दा। दा यमुना ही होना चाहिए अच्छा ऑन नहीं फ्लोट फ्लोट का मतलब ऊपर तैर रहा था तो उसके ऊपर था उसके अंदर नहीं था उसके ऊपर ही ऊपर तैर रहा था जैसे उसके टॉप पे सरफेस पे तो इसीलिए यहाँ पे द होगा क्स्ट oh, ये लास्ट था पता नहीं पच्चा नंबरिंग कुछ गड़बड़ हो गई पच्चीस वैसे तो सवाल थे खैर बस लास्ट क्वेश्चन था ये आर्टिकल्स में पच्चीस क्वेश्चन शायद थे या जितने भी थे और ये ट्रैक किया करिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं मिक्स प्रैक्टिस ज्यादातर होती है तो मिक्स प्रैक्टिस में आपके कितने सही हो रहे हैं वो में जैसे कल है क्लास एक बजे इडियम्स की क्लास है कल थोड़ा टाइम बदला हुआ है अभी तक 11 बता रहे थे लेकिन हम एक बजे है क्लास तो वो क्लास जरूर कर लें इमेजेस के मतलब पिक्चर्स के थ्रू ईडीएम पढ़ेंगे जैसे पिछले संडे को पढ़ा था और आप लोगों को फिर से एक बार टाइमिंग्स बता देते हैं देखिए अब संडे को क्लास होगी कल एक बजे ईडीएम्स की ईडीएम्स थ्रू क्वेश्चन ईडीएम्स थ्रू क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू हो गए पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा बहुत रॉन्ग हो रहे काफी रॉन्ग हो गए परवीन इफ और वेदर का प्रयोग इफ या वेदर का प्रयोग बताते हैं अच्छा ठीक है जल्दी से बता देते हैं ग्यारह सही हुए सारे अटेम्प्ट किए थे हाँ ये बेसिक से पढ़ाते हैं बिल्कुल ये फाउंडेशन बैच में आपको एथिकल ये फाउंडेशन बैच में आपको ऐप पे मिलेगा बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और बीच बीच में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लास होंगी थ्योरी वाली लेकिन कंप्लीट उसी में मिलेगा कंजंक्शन जय जो कंजंक्शन हम लोग कब करेंगे जो चैप्टर हम लोग ऐप पे थ्योरी क्लास में पढ़ते जा रहे हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है उसको प्रैक्टिस करें तो कंजंक्शन अभी कुछ दिन बाद आएगा संडे को ईडीएम्स की क्लास होगी और वैसे ही ये क्लास आठ बजे रोज होती है मंडे टू सैटरडे तो मंडे टू सैटरडे होती है हम लोग इसमें मिक्स प्रैक्टिस करते हैं मिक्स करते हैं प्लस वो करते हैं और बीच बीच में चैप्टर वाइज करेंगे टॉपिक वाइज जैसे टेंसेस हो चुका अब आर्टिकल की और भी क्लास होगी अभी आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है आर्टिकल आगे भी आएगा उस क्लास को भी कर लें। सोलह सही हुए अच्छा ये हुआ और आप क्या पूछ रहे थे किस चीज में आपने डिफरेंस पूछा था अच्छ या वेदर में पूछा था बस ये क्लास इतनी ही थी थैंक यू वेरी मच जो डाउट था उसको एक बार बता देते हैं कल मिलेंगे ईडीएम्स के साथ तो जो ईडीएम्स पहले किए थे उनको रिवाइज कर लीजिए जितने पचास किए थे अगली कल भी पचास तो ऐसे होंगे थैंक यू चकोर जी नहीं ही नहीं आपने अच्छा आप जल्दी से बता देते हैं देखिए इफ या वेदर आप दोनों ला सकते हैं एक शॉर्ट में बस इसका बता रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये यूज होता है अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में और वाई वेयर हाउ कुछ नहीं लगा इफ या वेदर को कंजंक्शन के रूप में यूज किया किया जाता है ज्वाइन करने के लिए इफ या वेदर आता है दोनों करेक्ट हैं लेकिन थोड़ा बेटर वेदर होता है इस पर डबल टिक लगाया है इस पर सिंगल टिक लगाया लेकिन अगर सेंटेंस में सेंटेंस में मान लीजिए और नॉट लगा है और नॉट लगा है सेंटेंस में तब आप इफ़ नहीं ला सकते इफ के बाद और नॉट गलत है अगर और नॉट है तो फिर आप वेदर लाइए वेदर प्लस और नॉट सही है तो इफ़ या वेदर कुछ भी यूज कर सकते हैं इंटरोगेटिव में जब वाई वेयर हाउ नहीं है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है लेकिन अगर और नॉट है तब फिर आप वेदर को सिर्फ करिए ठीक तो बस ये था आप जिसने पूछा था शॉर्ट में अब इतना ही अभी ये भी बता सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा या तो थ्योरी में या फिर क्वेश्चन में भी आएगा इस वाली क्लास में भी आएगा मतलब ये जो यूट्यूब पे चल रही हैं लेकिन वो जब उससे रिलेटेड सवाल हो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर लेंगे कंजंक्शन में कर लेंगे जब कंजंक्शन की प्रैक्टिस होगी या नरेशन की होगी तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रवि थैंक यू अजय थैंक यू बाय बाय अब मिलेंगे कल एक बजे ईडीएम्स के साथ थैंक यू